बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी क्लास में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के पाठ दो के पेज नंबर 14 पर हमने जो प्रश्न थे वो कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि प्रश्न 3 और 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न 5 और 6 करेंगे। ठीक है, तैयार है आप? अच्छा, अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में अच्छी तरह से हम पढ़ चुके हैं, है ना? एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, अनुस्वार क्या होता है, जिसमें हम बिंदी लगाते हैं, और अनुनासिक क्या होता है, जिसमें हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। ठीक है, याद है ना आपको? तो अब आपको क्या करना है, अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्द पूरे करने हैं। ऊंट में क्या आएगा, चंद्र बिंदु। चांद में क्या आएगा, चंद्र बिंदु। बंदर, सिर्फ बिंदी। पतंग में बिंदी। घंटी, घंटी में बिंदी लगेगी। और मूंछ में चंद्र बिंदु। सांप, चंद्र बिंदु। और भिंडी में बिंदी। ठीक है, ऊंट चंद्र बिंदु, चांद चंद्र बिंदु, बंदर बिंदु, पतंग बिंदु, घंटी में बिंदु, मूंछ में चंद्र बिंदु, सांप में चंद्र बिंदु और भिंडी में बिंदु। ठीक है, प्रश्न 6 है, निम्न वर्णों से शब्द बनाओ। जब हमने इन वर्णों के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको कुछ वर्ण बताए थे, है ना? याद है ना आपको? आप भी बना लीजिए। क्ष से क्षत्रिय वाला क्ष जो है वो किस किस में आता है, कक्षा और रक्षा। ठीक है, त्र नेत्र और त्रिशूल। श्र से श्रम और श्री। ढ क्या आएगा इससे, कौन से शब्द होते हैं ढ से, पढ़ाई और बढ़ना। ड से डमरू और ड से डाली। ड से कौन से शब्द होते हैं, कपड़ा और रगड़। ढ से क्या आएगा, ढोलक और ढलना, यानी सूरज का ढलना जैसे होता है ना, ढलना। श से शीशा और शलगम। ठीक है, तो जल्दी से अपनी बुक निकालिए और उसमें पेज नंबर 15 के ये दोनों प्रश्न फटाफट से कर डालिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम कुछ और लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।